पग बन गभरू लगता है किंग, जवान ने लिखा है पग उत्ते सिंह। साड़ी दस्तार साड़ी पहचान हैगी है, साड़े गुरुआं ने सानू बख्शी हुई है, बहुत जरूरी है। फिर कापी दे एकूकार बना रहे, फिर मेरे माइंड च आया क्योंकि पग दे बनाया जाए, प्यार देंदे आ कि मतलब बहुत सोहनी पग बन्नी आ, कई आके फोटो भी खिचाते नाल। पग यानी कि दस्तार सिख कौम दे विच एक अहम भूमिका निभाउंदी है, सिखां दे विच, सिख धर्म दे विच, सिख रिलीजन दे विच जिहड़ी दस्तार है पगड़ी है, इहदा एक विशेष स्थान है। सो इस दे चलदे आ, अज तुहानू जिला लुधियाने दे टिब्बा रोड विखे स्थित मायापुरी दे एक बच्चे नाल मिलाण जा रहे हां, ते बच्चे दस्तार देख के तुहानू अपने आप दे विच खुशी महसूस होएगी कि बच्चे ने किस तरह अपना दिमाग वरत के, इंटैलीजेंसी वरत के दस्तार नू होर ज़्यादा सोहना रूप दिता है, अते किस तरह उहदे उपर कलाकारी करके अपना दिमाग लगा के अपने एक्सप्रैशन नू लोगों नू दिखाउंदा है, अते लोगों नू अपनी एक पहचान बनाउंदा है, अपनी एक परसनैलिटी इनहैंसमेंट करके दिखाउंदा है कि किस तरह वह दस्तार नू अपने सिर ते सजा के अपने मन दे भाव उजागर कर सकता है। इस दा उन्हां नू शौक किवें पिया ते की चीज़ां ने जो उन्हां दे दिल दिमाग च आईआं जिस टाइम उन्होंने ये चीज़ शुरू की। हाँ जी, सत श्री अकाल सरमजीत। सत श्री अकाल भाई, और ठीक ठाक हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, थोड़ा जिहा साडे दर्शकां नू दसो कि जिहड़ी तुसीं इन्नी सोहणी दस्तार बन्नदे हो, ते इह दस्तार तुसीं किहड़ी क्लास तों बन्नी शुरू करती सी? मैं 10th क्लास तों पग बन्नी शुरू कीती सी जी। ठीक है। ते 10th दे पेपर दे के फिर मैं पग बन्नदा हुंदा जी, फिर माड़ा जिहा आया कि आपां पग नू कुझ चेंज करिए माड़ा जिहा, फिर हौली हौली पेच बनाउणे शुरू कीते, फिर उहदे विच मैं लिखिया सब तों पहिलां खंडा बनाया विच, खंडा बनाउण तों बाद फिर हौली हौली खालसा लिखिया, फिर एकमकार लिखिया, वाहेगुरू लिखिया, नो फार्मर नो फूड, ते वो नैवर फोरगेट 1984 लिखिया, ते इदा फिर मतलब लोग दूरों ही देख के समझ जान कि भाई सरदार आ रहा है। ठीक है। ते सनम जी, तो दस्तार बहुत सोहनी बनते हो, तो यह दसो भी जिहड़ा तुसी अपने दस्तार दे विच इह चीज़ परोई हुई है, तो पहले तो आप शुरू करते हैं कि दस्तार नू बनने च किन्ना समा लगता? सिंपल दस्तार नू, सिंपल दस्तार बनने नू 20 मिंट लगते, 20 मिंट लग जाते हैं। तो जी तुसी विच अपने कलाकारी करके अपना तुसी अपनी चीज़ परोई हुई है, यह किदां परोने हो, तो इहनू किन्ना समा लगता है? ये पटके दे छोटे छोटे टुकड़े कट के बाज दे नाल विच परोने पैंदे हन, ते इहनू अलग अलग टाइम है वाहेगुरू नू, जिद्दां मतलब कि अद्धा पौणा घंटा लग जाता वा, इहनू 20 मिंट लग जाते आ, ते खंडे नू लग जाता 45-30 मिंट लग जाते, अद्धा घंटा, ते नैवर फोरगेट नू लग गया सी 1.5 घंटा लग गया सीगा। ठीक है, जिन्ने ज़्यादा स्पैलिंग्स होणगे, वर्डिंग होगी, अल्फाबैट्स होणगे, उन्ना ज़्यादा समा भी लग जाता होगा। ते अपने सनम होर अगे कुछ नवां इच की करोगे? होर अगे जिद्दां मतलब कि अलग अलग लिखी जावांगे आपां अगे, है ना, इंग्लिश दे विच भी लिखांगे सिख खालसा, जिद्दां पहला पंजाबी दे विच लिखदा सीगा, हौली हौली जिद्दां मतलब ग्रोथ करांगे। ठीक है। ते स्टडी किन्नी कीती है? स्टडी +2। ठीक है। ते स्कूलिंग वगैरह कित्थों कीती सारी? स्कूलिंग वगैरह टिब्बा रोड तों। टिब्बा रोड तों, ठीक है। सो सनम जीत का कहना है कि किस तरह उन्होंने अपना इस चीज़ का शौक पिया सी भी 10वीं तो बाद दस्तार दे वधिया पेच बन के वधिया दस्तार सिर ते सजा के उस तो बाद विच अपने भाव प्रगट करने, अपने अल्फाबैट्स जिले उन्होंने दस्या कि किवें अपने पटके दे जिहड़ी टुकड़ियां कट के फिर उन्होंने अपने बाज दे नाल विच उहदे परोया जांदा है। सो सनम जी, आपां होर गल करिए कि आने वाली जिहड़ी पीढ़ी है अज दे टाइम दे विच कुछ जिले सिख समाज दे सिख धर्म दे बच्चे ने सिख रिलीजन दे उही अपने केस कटा रहे है, तो वह अपने बाल वगैरह नहीं रख रहे, केस नहीं रख रहे, दस्तारा नहीं बन रहे, तो तुसी उन्हां नू अपने कुछ सुनेहा देना चाहुंदे हो? हाँ जी, क्योंकि साड़ी दस्तार साड़ी पहचान हैगी है, साड़े गुरुआं ने सानू बख्शी हुई है, बहुत जरूरी है। ये तो गलत हो रहा ना, जिहड़ी दस्तार केस कटाई जांदे ने, है ना, मुंडे अपने नौजवान जिहड़े हैगे, बहुत जरूरी है। हुण जिद्दां मतलब कि किसानी अंदोलन दे विच हुण सानू बहुत जरूरत है, मतलब जिन्ने आपां सरदार मतलब कि दूरों दिखांगे आपां सरदार हैगे आ, 2% अगे गिनती साड़ी, है ना, इसलिए सानू बहुत जरूरत हैगी है सरदार बनन दी। केस रखो वीरो। हुनर अनोखा लोकी देख के निहार दे, लिखी फिरे सिंह मुंडा सोहनी दस्तार ते। सो गलबात होर करते हैं सनमजीत दे नाल। सनम, जो तुसी दस्या कि 10वीं दे विच मैं सीगा जो मैं दस्तार अपने बन्नी शुरू की, तो जो तुसी दस्तार नू सजाउंदे हो लिख के, ये कंसैप्ट माइंड कि आया सी उस टाइम? जिदा कि हूँ क्रेज चलता पा, है ना, अलग अलग तरह दग आ रही, पहले इंद्रजीत निकू की चली सी तिखी पग, फिर पटियाला शाही चली, फिर वलों वाली चली, फिर मैं भी बैठा ही, फिर मैं कापी देखू घर बना रहे, फिर मेरे माइंड च आया क्योंकि पग दे बनाया जाए, फिर छोटे छोटिया टुकड़ियाँ क्ड के वो शेप दे देख देख के फिर पग तो पहले एकूकार बनाया, फिर खंडा बनाया, इदा ही हौली हौली लिखन लग पाया मैं, नैवर फोरगेट 1984 भी लिखा सगा जिदा मतलब पहले दस्या मैं, है ना, कि फिर इदा क्रेज जहा बन गया, हूँ सब कुछ लिख लैंना मैं, सिंह भी लिखा वा।
ਤੇ ਸਨਮ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਪੱਗ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਈ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣੇ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਮੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਪੱਗ ਬੰਨ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਗ, ਜਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਗ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਸਨਮ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਘਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਕਈ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਈ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ, ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੀਲ ਕਮਲ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।